डार्क मैटर एक रहस्यमयी पदार्थ है जिसका अस्तित्व वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, लेकिन इसे सीधे तौर पर देखा नहीं जा सका है। यह हमारे ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी समझ में हमें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। डार्क मैटर ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का लगभग 27% हिस्सा है, जबकि हम जो सामान्य पदार्थ देख सकते हैं वह केवल 5% ही है। इसका मतलब है कि अधिकांश ब्रह्मांड अदृश्य और रहस्यमय डार्क मैटर से बना हुआ है। डार्क मैटर का कोई दृश्य प्रमाण नहीं है, यह अदृश्य होता है और इसे सीधे किसी टेलीस्कोप या अन्य साधनों से नहीं देखा जा सकता। हालांकि इसका कोई सीधा दृश्य नहीं है, लेकिन इसका असर अन्य खगोलीय पिंडों पर देखा जा सकता है। जब हम आकाश गंगाओं के बीच की गति को देखते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं सकते। इस प्रकार डार्क मैटर अपने अनदेखे सौंदर्य और अदृश्यता के लिए आकर्षण का कारण बनता है। डार्क मैटर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और इसे सामान्य पदार्थों की तरह मापना या देखना असंभव है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर का कोई विद्युत आवेश नहीं होता है और यह प्रकाश के साथ कोई प्रतिकार्य नहीं करता है, इसलिए इसे देख पाना असंभव है। इसका रहस्य इस बात में भी है कि यह हमारी समझ के सभी ज्ञात कणों से अलग है और इसे समझने के लिए कई सिद्धांत और प्रयोग किए जा रहे हैं। डार्क मैटर के अध्ययन में कई वैज्ञानिक लगे हुए हैं। इसके अस्तित्व को समझने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग और अनुसंधान किए जा रहे हैं। सर्न यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC जैसे यंत्रों का उपयोग डार्क मैटर के संभावित कणों की खोज के लिए किया जाता है। इसके अलावा कई टेलीस्कोप और उपग्रहों के माध्यम से भी डार्क मैटर की उपस्थिति और इसके प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। डार्क मैटर ब्रह्मांड की संरचना और इसके विस्तार को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी उपस्थिति के बिना आकाशगंगाएं और अन्य खगोलीय पिंड एक साथ नहीं रह सकते थे। डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव इन आकाशगंगाओं को एकत्रित रखता है और उनकी गति को प्रभावित करता है। यदि डार्क मैटर नहीं होता तो आकाशगंगाओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमजोर होता कि वे बिखर जाती। डार्क मैटर ब्रह्मांड की अदृश्य वास्तुकला की तरह है। यह आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय पिंडों के बीच का वह गोंद है जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसे ब्रह्मांड का अदृश्य ढांचा भी कहा जाता है। इसकी उपस्थिति से ब्रह्मांड की संरचना और उसके विकास की प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ही आकाश गंगाएं और तारे बनते हैं और उनका विकास होता है। डार्क मैटर का जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव ब्रह्मांड की संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डार्क मैटर जो अदृश्य है और किसी भी सामान्य पदार्थ के साथ प्रत्यक्ष रूप से बातचीत नहीं करता, ने वैज्ञानिकों को एक नए रहस्य के पीछे लगाने का कार्य दिया है। इसके अध्ययन में सूक्ष्म जीवों और जैविक जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में गहरे प्रश्न उठते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान यह सुझाव देते हैं कि डार्क मैटर का पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभिक विकास में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हो सकता है। हालांकि डार्क मैटर का अध्ययन करना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसका कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। भविष्य में वैज्ञानिक अधिक संवेदनशील उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके डार्क मैटर के रहस्यों को समझने की योजना बना रहे हैं। यदि वैज्ञानिक डार्क मैटर के रहस्यों को सुलझाने में सफल होते हैं तो यह ब्रह्मांड की संरचना और विकास के बारे में हमारी समझ को व्यापक रूप से बढ़ा सकता है।